जैनब जल्दी आओ। क्या हुआ? चांद दिख गया। किधर? इधर जी इधर, देखो ये है। देखो ये फिफ्थ क्लास के झोंका मत मारो मेरे साथ, अब रमजान शुरू होने वाला है। अरे अम्मी क्या बोलते हैं मालूम, जिसकी हथेलियों पे चांद रहता ना उन्हें लकी रहते बोलते थे। हाँ। नहीं है ना तुम्हारी हथेली में कुछ भी नहीं रहता ऐसा सब बोलने के बाद है। जैनब अब तो चांद दिख गया। किधर? वो लंबी बिल्डिंग दिख रही। हाँ। उसके ऊपर क्या है? अरे हाँ चांदी से नहीं वो मुबारक। होली रमजान का चांद गोल रहता, क्रिसेंट शेप में रहता, एड वाला फुग्गा है वो। मच कर रहे थे चांद। दिख गया चांद? हाँ पापा वो सबसे लंबी बिल्डिंग दिख रही। देखो हाँ। नहीं नहीं वो एड वाला फुग्गा है। अरे कहीं बोले यार। अरे वहाँ है ना जी चांद। अरे हाँ दिख गया। रमजान मुबारक। मैं मम्मी को विश कर। रमजान मुबारक अम्मी। हमारे बचपन में चांद बहुत दूर दिखता था, करीब आते जा रहा। नेकी करो बेहिसाब, कयामत करीब है। हेलो, अब क्या हलीम के भच्चियों के नहीं बढ़ जाता? देना पड़ेगा जवाब, कयामत करीब है। वाकई करीब है, सुधर जाओ। अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको गौर से सुनो, पहले सब्सक्राइब करो उसके बाद ही घंटा दबाओ। अम्मी देखो रमजान स्टार्ट हो गया, आज पहली सहरी है, हैवी खाएंगे कुछ, रोजों की आदत हुई तक। क्या है सड़न खाना कम करे ना, बॉडी शॉप में चले आती। कई लोग बिना सहरी के रोजा रहते मालूम तुम्हाको, रोजे में इबादत और जिक्र करे तो तुम्हारा दिमाग खाने की तरफ नहीं जाता। सही बोले अम्मी, आज सहरी में कोफ्ते दे देंगे, ताकत रहती। किसको दे देंगे? अरे मतलब कोफ्ते खाएंगे सहरी में। टू हैवी नहीं हो जाएंगे? टू हैवी? रमजान शुरू हो गया, सोच के जवाब दियो। कोफ्ते बिरयानी से टफ है बनाना। माँ बहू तुम्हारे हाथ के कोफ्ते होना भी नहीं, एक बार खाई मई। कोफ्ता तो बॉडी कबूल नहीं करी लेकिन तोबा कबूल हो गई। सही बोले अम्मी, जब मैं उतना साफ गोश्त लेके आया था इनके कोफ्तों में जब वेस्ट हुआ ना कैसी तकलीफ हुई मालूम, वो बचपन में दरवाजे में अपनी उंगली आ गई तो कितनी तकलीफ होती, उससे भी ज्यादा। मैं तो बोल रही हूँ कि फर्स्ट सहरी है ना तो अपन बाहर से मंगा लेंगे क्या? रखो बेटे, पहली सहरी घर की है ना। अरे पापा आप यहीं बैठे हो जब से, अरे कुछ बात ही नहीं कर रही, फैमिली में इन्वॉल्व हो गई। वही बोल रहा हूँ बाहर का ना, घर का। हाँ सही बोले। आप तो दूसरी सहरी से घर पे दिखते ही नहीं, दोस्तों के साथ कर लेके आते बाहर। आए हाँ, वो खिचड़ी खट्टा खीमा नली नहारी गुर्दे पालक। वैसी इबादत भी कर लो, बता दे रहा हूँ ये रमजान में रातों में दोस्तों के साथ लाठोर वाठोरी कुछ नहीं, वो रात भर हलीमा ठोंस लेते हुए, गलियों के खाने, वो काड़ियों के शीख कावाबा, वो चाया घावे सो बन, रमजान है फूड फेस्टिवल है। सीधा तराबियों के बाद घर में दिखना, फैमिली के साथ शहर, फैमिली के साथ इफ्तार। ठीक है इंशाल्लाह पापा। अम्मी एक काम करेंगे ना, जितने भी सालाना बनाना है अभी बना लेंगे, सहरी में उठ के चावल बना देंगे। अरे जैनब क्या आइडिया दिए, मेरे दिमाग में तो नहीं आए। थैंक यू। हर साल ये करते, हमारी सास के दौर से चलते आ रहा, तुम ऐसा बता रहे जैसा खुद का आइडिया है। मैं तो चावल नहीं खा रहा हूँ, फुलके डाल दो मेरे को। मेरे से तो नहीं होता, बहू डाल रहे तो पूछ लो। मैं डाल देती हूँ पापा दो फुलके। मैं खाली फुलके खा रहा हूँ ना, चार पाँच डाल दो। ठीक है आपको भी होना तो बोल दो। नहीं नहीं बोल के एन वक्त पे बोलते सायरन बजे जब, मेरे को भी डाल देते क्या रोटी। नहीं नहीं अपने को तो चावल होना गप गप। ठीक है अम्मी तो आप सालन बना दो, मैं रात में सो आटा गूंथ के सो जाती हूँ, सुबह में उठ के चावल और रोटी एक साथ बना देती हूँ। क्या होशियार है तुम, आटा गूंथ के सो जाते और हम रात भर कोफ्ते बना के सुबह उठ के चावल चढ़ाना। अम्मा हमेशा ही आप दोनों के खाने के डिस्कशन में मैं कैसा अटकता हूँ मालूम, जैसा मलिंगा के बालों में कंघी अटक जाती नहीं वैसा। इज्जत से अब जाके तरावी पढ़ के आके सो जाता हूँ, क्या है लेट सोए ना सही उठना मुश्किल हो जाता। मैं भी लेट सोया तो सफरा होता है, एसिडिटी प्रॉब्लम है। अम्मी मैं भी ऐसा आटा गूंथ के सो जाती हूँ, आप प्लीज रोटियां नको डालिए, मैं सुबह में उठ के बना देती हूँ। हाँ डालती हूँ रोटी, अच्छा ही तुम लोगों का। मैं क्या लब्बर की पुतली हूँ, मैं भूख नहीं लगने निन्निया ने। ओके मेरे पास बेस्ट आइडिया है, अपन लोग जल्दी सो जाएंगे, 3 बजे का अलार्म रख के उठ जाएंगे, फिर जब भी चाहे सो फ्रेश गरम गरम खाना पका लेंगे। तारी क्या तारी? Decided. पहली सहरी तारी। जैनब तुम गरम गरम बोलते कही हुई मेरे दिमाग में तारी है मालूम। अच्छा आइडिया, मैं भी तारी खा लेता हूँ, रोटी कैंसल। तो सब तारी खा रहे तो मैं बना देती हूँ। यस मतलब रमजान शुरू हो गया ना ये। ओ, ओ, ओ।
इला कितने दिनों के बाद सुनने को मिल रही है। आजकल लोगों की जरूरत ही नहीं है, सहरी तक स्वराज कौन बोल के, अरे उल्टा ना इफ्तार को आना, इफ्तार कर उठो बोल के। क्या पापा मम्मी अब तक तहरी लेके नहीं आए, सहरी का टाइम हो रहा, जरा आवाज दियो ना। ठहरो, हाय तहरी क्या हुआ? ठहरो जी, ला रहे, सबर नहीं है, कहाँ जा रहे? अम्मी मैं जल्दी पानी भर लेती हूँ। अरे जरा भी सबर नहीं है क्या मैं तेरे को, इफ्तार को बैठे ऐसा जल्दी कर रहा, भूल गया क्या शहर है? सो फिकी कर दिया, मजा इतनी है। सुनो, हाँ जैनो, जरा नमक पास करो। नमक पास करो तो ऐसा ही चिक नहीं, चुप बैठ। गोश्त नहीं गला। हेलो हेलो हेलो, मेरा बूटा सहरा ना रही, सहरी करना है। रमजान शुरू हो गया, देखना यार इतना बड़ा चांद। चलो जल्दी, क्या टाइम हो रहा है? 5 मिनट से उठ जाओ ना। 3 बज गए यार, अलार्म रखे 4:30 हो रहे यार। ज़ैनब खत्म हो के सायरन आए, जल्दी भागो। अम्मी पापा को बुला जल्दी। अम्मी पापा, अरे इधर कहीं को भाग रहा, आखिरी सायरन है, पानी भागो। अरे यार पूरे ग्लास अभी धुले में, एक ही ग्लास है यार ज़ैनब, जल्दी। बॉटल ना छोड़ो, ग्लास तक नहीं धुले गए। हो गया पीछे। अम्मी जल्दी जरा, अरे वो गरम ठंडा मिलाने का टाइम नहीं है अम्मी, जल्दी लीजिए अम्मी, जैसा भी है लीजिए। अम्मी हटो जरा, ये तो सायरन हो गया पापा, लास्ट सायरन है, जल्दी करो सारो। बाप को प्यासा लगता, अरे अरे पापा आखिरी सायरन हो रही, जल्दी पी लो, मोशन कर देते भाई। टाइम अप, कई को अब एक भी गुट हल्लक से उतरेगा तो रोजे से आउट हो जाता। एक एक ही गुट पानी पिया मैं पापा, पानी पे मैं संभाल ले सकता हूँ ना, रोजा रह जा सकते। हाँ हाँ रह सकते, क्या जी? हाँ रह सकते, क्या जाए ना? हाँ रह जा सकते, रह जा सकते। मैं ख्वाब में तारी खा रहा था, अब देखो ये भगोने में भी मेरे को तारी दिख रही। अरे मैं समझा मेरे को दिख रही। हाँ तारी छे, तहारी वो क्या है? 1:40 को नींद होशियार हुई तो तहारी बनाना शुरू कर दी थी मैं, फिर 2:40 तक रेडी भी हो गई थी धनकी चटनी के साथ, फिर 1 घंटा कमर सीधी करूंगी बोल के जो लेटी तो नींद ही लग गई। अरे अम्मी कमर सीधी करने से पहले हम लोग उठा देना था ना, हम लोग 1 घंटे के बाद आपको उठा देते थे। तेरे को उठाए तो सहरन से 5 मिनट पहले उठाओ बोलता। मैं बड़ा हो गया, मैं कहीं करूंगा ऐसा? लास्ट ईयर की बात कर रही। देखो तुम ला बहस करके एनर्जी वेस्ट ना करो, शारुख तू तो बात ही ना कर, एक ही घूट पानी पिया, सीधा वन वर्ड आंसर पे आ जा, सब खामोश, अब फजर पड़ के सब सो जाएंगे। दोपहर 1 बजे। आपको भी डाल के देना क्या? सदमा लग गया क्या बिन सारी का रह के रोजा? तोबा तोबा, अम्मी थैंक यू, सर में बचा लिया आप मेरे को, मैं भूल ही गई थी मैं रोजा हूँ। सो बेटे रोजे में खाना भूल के खा लिए तो रोजा नहीं टूटता। नहीं पापा वो एक्चुअली मैं पहली बार बिन सारी का रोजा रही ना, इसीलिए। बेटे सहरी तो सुन्नत है, रोजा फर्ज है, रोजा तो रहना ही रहना है। जी पापा। शाहरुख का क्या हाल है, बेहोश हो गया क्या? मम्मी मैं जाके उठाती हूँ। आवाज ही नहीं कर रही इसकी। अभी टाइम है बेटे। You don't wanna know. कुरान की तिलावत कर लेता हूँ। एक बिन सहरी का रोजा रहते सुधर गया देखो। माशाल्लाह बोलो। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब चलो सब मिलके पढ़ेंगे अपन। जी अम्मी चलिए। चलो। शाम 5:30 बजे। शाहरुख अब आप मेरे को मैसेज करके बुलाएंगे?
क्या? कुछ भी सुने में नहीं आ रहा। पानी भर के फ्रिज में रखो ठंडा होने। रख दिए। क्या है ये? टू मच करते रहे आप, मुंह से बोलो। क्या हुआ? अरे देखो मीनू बात इसने कर रहे। अधमरा हो गया जी। मौसमी का जूस, फ्रूट चाट, छोटे समोसे, बड़े समोसे, उबली हुई दाल, दहीवड़े, साथ में रोफजा अम्मी। शुक्रिया बेटे, जरा मौस डालो, फ्रूट चाट को नहीं है। पापा, इनमें जो बची कुची ताकत थी ना, अब भी ऑर्डर दे के पूरी खत्म कर दिए। कल से सहरी को सब प्लीज टाइम पे उड़ाएंगे। अब अबला नहीं भी उठे ना तो सबसे पहले आप ही चुटने वाले हैं। कल से अलार्म रखने की जरूरत नहीं है, कल से इनिच बजेगा अपना अलार्म। अब इसको इफ्तार में खजूर के साथ ग्लूकोज की ड्रिप देना पड़ता।